Assalamualaikum guys, this is Naseeb Khan and welcome to another video. दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे सिक्योर बना सकते हैं और ग्रीन पैडलॉक इनेबल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। दोस्तों जब कभी भी आप कोई बड़ी वेबसाइट जैसा कि YouTube वगैरह विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको एक पैडलॉक दिखाई देता है, ठीक है, और अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको बताया जाता है कि इस वेबसाइट से आपका कनेक्शन मुकम्मल तौर पर सिक्योर है, ठीक है। और वैसे ही अगर कोई आप ऐसी वेबसाइट विजिट करें, ठीक है, जो ज्यादा आप कह सकते हैं कि अच्छी वेबसाइट ना हो, तो वहाँ पे मोस्टली आपको कोई पैडलॉक भी दिखाई नहीं देता, ठीक है, और वहाँ पे एक आइकन जरूर दिखाई देता है आपको, ठीक है, जिसका आप कह सकते हैं वार्निंग साइन होता है, और उस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपका इस वेबसाइट से कनेक्शन सिक्योर नहीं है। अब इस पैडलॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। मोस्टली दोस्तों ये चाहिए होता है उन वेबसाइट को जहाँ पर यूजर का आप कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह देते हैं, ठीक है, पेमेंट वगैरह वाली वेबसाइट्स होती हैं, लाइक शॉपिंग वेबसाइट या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पर लोग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर कुछ सेंसिटिव डेटा यूजर एंटर करते हैं, ठीक है। अब इस पैडलॉक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस वेबसाइट और यूजर के बीच में जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, जो कुछ भी डेटा ट्रांसफर होगा, वो सब कुछ इनक्रिप्टेड होगा, ठीक है, और यूजर को किसी भी किस्म का खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये पैडलॉक मिलता कैसे है, ये मिलता है SSL सर्टिफिकेट से। जब कभी भी आप होस्टिंग लेते हैं, ठीक है, आपके होस्टिंग प्रोवाइडर्स जो हैं वो मोस्टली आपको देते हैं SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फ्री में भी ये चीज लेते हैं, ठीक है, SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन फ्री में होस्टिंग भी मिल जाती है, डोमेन भी मिल जाती है, ठीक है। अगर आप फ्री की तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हैं कि नुकसान भी होते हैं, ठीक है, वो एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है उस पर कि आपको फ्री होस्टिंग या फिर डोमेन वगैरह लेनी चाहिए या फिर SSL सर्टिफिकेट फ्री में लेना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पेड वन की, ठीक है। अगर आप कोई ऐसी होस्टिंग लेते हैं जहाँ पे आपको पेड करना हो, ठीक है, यानी कि पैसों से आपने कोई होस्टिंग लिया, तो वहाँ पे मोस्टली आपको SSL सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। अगर आपका होस्टिंग प्रोवाइडर अच्छा होगा, कोई अच्छी कंपनी होगी, ठीक है, तो वहाँ पे मोस्टली आपको वो फ्री में दे देंगे SSL सर्टिफिकेट, ठीक है, या अगर नहीं देते तो फिर आपको खरीदना पड़ता है, क्योंकि वो पैडलॉक जो है वो तभी आता है जब आपके होस्टिंग पर SSL सर्टिफिकेट इनेबल्ड होगा, ठीक है। अब आपके पास अगर SSL सर्टिफिकेट नहीं है तब आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए आप होस्टिंग प्रोवाइडर से, ठीक है। कीमत जो है उसकी प्राइस वेरी कर सकती है, ठीक है, $1 में भी आपको मिल जाता है, ठीक है। मेरे केस में मेरा जो ब्लॉग है वहाँ पर मैंने जो होस्टिंग लिया वो है रिसेलर क्लब से मैंने लिया है, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने मुझे बिल्कुल फ्री में SSL सर्टिफिकेट दिया है, ठीक है। और वहीं पे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको $50 तक आप कह सकते हैं कि चार्ज कर सकती हैं SSL सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। तो आपको SSL सर्टिफिकेट लेना होगा अगर आपने उस पैडलॉक को इनेबल करना है। अब उसका फायदा क्या होगा, अब कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आता है और वहाँ पर वो देखता है, वो पैडलॉक उस पर क्लिक करता है और वहाँ पे लिखा हुआ, मोस्टली लिखा हुआ होता है, ठीक है, क्लिक करने से पहले वहाँ पे लिखा होता है सिक्योर, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है कि वो वेबसाइट जो है सिक्योर है। और अगर पैडलॉक नहीं है, यानी कि SSL सर्टिफिकेट इनेबल नहीं किया गया, तो तब वहाँ पे लिखा होगा नॉट सिक्योर, और कोई भी यूजर एक बार देख लेगा कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो दूसरी बार वो कभी भी उस तरफ नहीं आएगा। हालांकि इससे ज्यादा नहीं पड़ता, जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो आप बुरे इंसान हो, या अगर आपकी वेबसाइट पर कोई भी बंदा है तो आप उसके साथ कुछ बुरा करने वाले हो, लेकिन यूजर का कैसे दे इंप्रेशन बुरा पड़ जाता है, वो ये समझता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो आपने पहला काम क्या करना है, आप लोगों ने SSL सर्टिफिकेट लेना है। और सबसे ज्यादा यूजर को प्रॉब्लम होती है कि SSL सर्टिफिकेट लेने के बाद भी वो पैडलॉक इनेबल नहीं हो रहा होता। आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि वो पैडलॉक इनेबल कैसे करना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं पैडलॉक ऑफ एग्जैक्टली इनेबल कैसे करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा होस्टिंग प्लान है, ठीक है, जो कि मैंने रिसेलर तरफ से लिया और यहाँ पे फ्री SSL सर्टिफिकेट मुझे मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी वेबसाइट पर आ जाऊँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी किस्म का पैडलॉक नहीं है और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट सिक्योर, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, ठीक है, कोई भी बंदा आएगा वो इसको देखेगा तो उसके बाद वो मेरी वेबसाइट पर आना कभी भी पसंद नहीं करेगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस पैडलॉक को इनेबल करने के लिए आप लोगों ने सिंपली डैशबोर्ड में आना और आप लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एड न्यू पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, और यहां पे प्लगइन का नाम है वो है रियली सिंपल SSL, ठीक है। सो सिंपली हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं रियली सिंपल SSL, ठीक है, यहाँ पे लगन मिल चुका है, इंस्टॉल करना है सिंपली आप लोगों ने, ठीक है, एक्टिवेट कर देते हैं। और यहाँ पे एक्टिवेट हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने करना है गो अहेड एक्टिवेट SSL, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेट हो चुका है, मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे URL देता हूँ, ठीक है, www.techwise.online,
और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पैराग्राफ इनेबल हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ और यहाँ पे इसे रिफ्रेश करूँ, ठीक है, सो यहाँ पे भी लेट्स सी कितना टाइम लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पैराग्राफ इनेबल हो चुका है। तो इस तरह बड़ी ही आसानी से अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट है तो आप पैराग्राफ को इनेबल कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।